सेम इसी तरह से जो फर्स्ट पार्ट था, सेम इसी तरह से सेकंड बेटा जो अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए, सेकंड पार्ट सेम इसी तरह से फर्स्ट वाला की तरह। कहता है हमें अननोन वैल्यू बतानी है, जो अननोन वेरिएबल हमें दे रखा है, जिसे फर्स्ट वाले पार्ट में हमें ए दे दिया था, सेकंड वाले पार्ट में बी दे दिया, इन अननोन वेरिएबल्स की हमें वैल्यू बतानी है। ये नंबर हमारे पास प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन में होंगे मतलब हमेशा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल आएगा। अगर कोई नंबर प्रोपोर्शन में है मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होगा ही होगा। इनकी वैल्यू पुट करेंगे, एक्सट्रीम्स की वैल्यू पुट करो, फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म बी मल्टीप्लाई 46, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स की हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड एंड थर्ड टर्म क्या होंगी 92 मल्टीप्लाई 39। ठीक है, एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर ये इस तरह से टर्म्स आती है जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यहाँ से आप इनकी मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे फिर 46 हमारे पास हमेशा डिवाइड में आएगा, तो उसको दोबारा से कैंसिल करना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप इसको एज इट इज रहने दो, 46 को डिवाइड में लेकर आओ, कुछ कैंसिल होता है तो पहले ही कैंसिल कर दो, कैंसिल होने के बाद मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमें इसको कैंसिल तो करना ही पड़ेगा, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा 46 से। इससे अच्छा है कि हम पहले मल्टीप्लाई ना करके पहले ये कैंसिल कर दे, कुछ भी कैंसिल होता है वो, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर, हमारी मल्टीप्लाई भी आसान हो जाएगी और टाइम भी बचेगा। ये बी के साथ 46 मल्टीप्लाई में था, 46 को हम नीचे राइट हैंड साइड में लिखवाए तो ये डिवाइड में आ गया 46, 92 मल्टीप्लाई 39 डिवाइडेड बाय 46, 92 को कैंसिल करेंगे 46 से तो ये 2 पर कैंसिल हो जाएगा, 46 टू जा 92, ये 2 बच गया, मल्टीप्लाई में 39 है, 2 की मल्टीप्लाई 39 से करेंगे 78 आ जाएगा, ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 78। b की वैल्यू हमें निकालनी थी, इसको वेरीफाई करने के लिए आप करना चाहो तो b की जगह 78 पुट करना, 78 की मल्टीप्लाई 46 से करना, 92 की मल्टीप्लाई 39 से करना, दोनों मल्टीप्लाई हमारी इक्वल आएंगे। ठीक है, इक्वल आती है मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। थर्ड वाला पार्ट है, 8 इज टू एक्स एज 16 इज टू 35। ठीक है, या फिर 8 रेशियो एक्स प्रोपोर्शन 16 रेशियो 35, दो रेशियो में दिए हुए, दोनों के बीच में कैसा है प्रोपोर्शन का साइन, वही हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यही हमारे पास फॉर्मूला बेटा सभी क्वेश्चंस में, इसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स की वैल्यू लिखेंगे फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म की मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट टर्म 8 मल्टीप्लाई 35, 8 मल्टीप्लाई 35। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होगा x मल्टीप्लाई 16, तो ये आ गया x मल्टीप्लाई 16, ये फिर से हमारे पास इक्वेशन बन गई, 8 मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 16। यहां से हमें x की वैल्यू चाहिए, x के साथ 16 मल्टीप्लाई में, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई में था, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गए, डिवाइड में आ गया, 8 मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाई 16, 16 को जब कैंसिल करेंगे 8 से तो 8 टू जो हमारे पास क्या होता है 16 होता है, ये 2 पर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 35 2 से कैंसिल होता नहीं है, इसको एज इट इज लिखेंगे, 35 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स, और इसको डिवाइड करके लिखना चाहें तो ये 17.5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 35 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 बचेगा, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसका जो फोर्थ पार्ट है बेटा वो आपको एक बार खुद से ट्राई करना है, 43 इज टू 27 एज 86 इज टू वाई, हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई फोर्थ टर्म से होगी, 43 सियाराम बेटा नहीं, टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है लेकिन इस तरह की हरकत नहीं करोगे बेटा, बहुत अच्छा काम किया था सियाराम ने, वो बहुत ही अच्छे नंबर मार्क्स आए। ठीक है बेटा,
लेकिन पढ़ाई अभी कंटिन्यू रखो इस काम को। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करेंगे 43 मल्टीप्लाई वाई। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करेंगे 27 मल्टीप्लाई 86। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई 43 यहाँ वाई के साथ, मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले आएंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, कुछ कैंसिल होगा वो, और मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप एक बार कोशिश करना, बिल्कुल आसान है, नहीं भी होगा तो मैं समझा दूंगा, बता देना। ठीक है, अभी सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा बेटा, हमने सिर्फ वेरीफाई किया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो नंबर्स हैं वो प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है, हमने सिर्फ ये वेरीफाई किया था। सेकंड वाले क्वेश्चन में उसने वेरीफाई करके दे दिया कि प्रोपोर्शन में है, लेकिन कोई वेरिएबल उसने डाल दिया, उस वेरिएबल की हमने सिर्फ वैल्यू निकाली। थर्ड वाले क्वेश्चन में और थोड़ा सा आगे बढ़ गए, कहता है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू द नंबर्स, इसमें हमें तीन प्रोपोर्शन दे दिए और फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू हमें बतानी। ठीक है, तीन रेशियो, जो हमारे पास दो रेशियो जो होते हैं उसमें एक रेशियो हमें कंप्लीट दे दिया और दूसरे रेशियो का हमें फर्स्ट नंबर दे दिया, हमें एक नंबर बताना कि इसका जो फोर्थ नंबर होगा वो क्या होगा। फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब होता है बेटा फोर्थ टर्म या फिर फोर्थ नंबर लगा लो आप, फोर्थ रेशियो का, फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब हो गया फोर्थ टर्म हमें निकालनी है कि इसकी फोर्थ टर्म क्या होगी। तीन टर्म्स हमें दी हुई है 40 एंड 9। हम मान लेंगे लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन इज एक्स, हमने मान लिया कि जो इन तीनों के साथ फोर्थ प्रोपोर्शन आएगा वो क्या आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, जैसे ही हमने ये एक्स मान लिया हमारे पास प्रोपोर्शन क्या बन जाएगा, 12:14 9:x, ये हमारे पास प्रोपोर्शन बन गया। और ये जैसे ही हमारे पास प्रोपोर्शन बना ये हमारे पास बिल्कुल सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, इसमें हमें x की y की वैल्यू निकाली थी, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल हमारे पास कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पर y भी मान सकते हैं, x y z a b c d p क्या हुआ कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से इसको अब हमें चेक करना है, वही मेथड यूज होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स हमारे पास क्या क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 12, फोर्थ टर्म है x, तो 12 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू, मीन्स हमारे पास क्या क्या है, 40 मल्टीप्लाई 9। इक्वेशन बन गई, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 12x के साथ मल्टीप्लाई में था, जब इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे 12 कहाँ गया, डिवाइड में आ गया। ठीक है, 12 डिवाइड में आ गया, क्या बच गया, 40 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 12। 9 एंड 12 है, 9 एंड 12 दोनों को हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, दोनों को हमने 3 से कैंसिल कर दिया, 9 को 3 से कैंसिल किया 3 बच गया, 12 को 3 से कैंसिल किया 4 बच गया। अब यहाँ पर हम बिट डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको समझ में आता है, 40 को हम 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 10 पर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसको मैंने समझाने के लिए नीचे दोबारा से लिख दिया है, 40 बच गया हमारे पास एज इट इज, या 9 की जगह 3 बच गया, 12 की जगह 4 बच गया, तो इसको डिवाइड करने के बाद, कैंसिल करने के बाद मैंने दोबारा से नीचे लिखा, यहाँ से हम जब 40 को 4 से डिवाइड करेंगे 10 पर डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 10 4 जा 40, 10 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, 10 3 जा 30, एक्स की वैल्यू हमारी 30 आ गई। एक्स की वैल्यू हम क्या मानकर चले थे, एक्स को हमने माना था कि एक्स फोर्थ प्रोपोर्शन है, तो हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू आ गई एक्स, और वो क्या है 30, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था बेटा, सेकंड क्वेश्चन में वेरिएबल हमारा कहीं सेकंड टर्म में आ जाता था, कहीं फर्स्ट टर्म में, कहीं फोर्थ टर्म में, कहीं थर्ड टर्म में, जब ये कहता है कि हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो हमेशा वेरिएबल हमारा फोर्थ टर्म में आएगा, बस यही अंतर है और कुछ भी नहीं है, सेम उसी तरह से निकाल, जो हमारी फोर्थ टर्म होगी उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और एक्स मानकर हम उसको सिंप्लीफाई करें, 8, 36 और 6, तीन प्रोपोर्शन हमें दी हुई है, तीन टर्म्स हमें दी हुई है, हम मान लेंगे लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन इज एक्स, फोर्थ टर्म की वैल्यू हमने एक्स मान ली, जैसे ही हमारी फोर्थ टर्म एक्स आ गई हमारा प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा,
8 is to 36 as 6 is to x. ये तीनों तो हमने देख रखे थे 8, 36, 6 x हमने अपनी तरफ से माना है तो इनको इस तरह से एज इट इज इसी तरह से लिखेंगे 8 is to 36 as 6 is to x. प्रोपोर्शन हमारे पास बन गया, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कहेंगे 8 और x की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म की मल्टीप्लाई, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई x. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालेंगे सेकेंड एंड थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई 36 एंड 6 की मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 6. हमें x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ मल्टीप्लाई में 8 हमें दिया हुआ है तो 8 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, ये कहाँ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 6 एज इट इज डिवाइड में क्या आ गया 8 आ गया. ठीक है, 6 और 8 दोनों को कैंसिल करेंगे, दोनों 2 से कैंसिल होंगे, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, दोनों को हमने 2 पर कैंसिल किया, 2 3 जा 6 होता है, 2 4 जा 8 होता है, जिसे कैंसिल किया इनकी वैल्यू हमने लिख दी 36 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 4. दोबारा से 36 को डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे 4 से तो ये 9 पर होगा, 4 9 जा 36 तो ये 9 से कैंसिल हो गया, 9 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 9 3 जा 27, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई. और x हम क्या मानकर चले थे, फोर्थ प्रोपोर्शन मानकर चले थे, वो हमारा x आ गया, सॉरी 27 आ गया. ठीक है, x की वैल्यू हमारी 27 आ गई, यही हमारा आंसर. इसकी जो थर्ड पार्ट है बेटा वो आपको एक बार ट्राई करना है, कुछ नहीं बस यहाँ पर डेसिमल पॉइंट दे दिया है, ये डेसिमल पॉइंट को भी हम सेम उसी तरह से सोल्व करते हैं, मैंने आपको पीछे बताया भी हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास डेसिमल पॉइंट आया भी था, उसको मैंने सिंप्लीफाई करके दिखा दिया, सेम इसी तरह से डेसिमल पॉइंट की मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं. हमने की हुई डेसिमल पॉइंट की मल्टीप्लाई 2.8 14 और 3.5, फोर्थ टर्म हम मान लेंगे एक्स, 2.8 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे वो इक्वल हो जाएगी 14 की मल्टीप्लाई 3.5 के साथ. ठीक है, डेसिमल पॉइंट को आप हटाना चाहो तो जितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है उतने ही नीचे जीरो आ जाएंगे, यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था तो 28 को आप इस तरह से लिख सकते हो, 2.8 को सॉरी 2.8 को आप इस तरह से लिख सकते हो 28 अपॉन 10. ये 3.5 है, इसमें भी एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो इसको हम लिख सकते हैं 35 अपॉन 10. ठीक है, डेसिमल पॉइंट को आप हटा के करना चाहो डेसिमल पॉइंट को हटा देना, मल्टीप्लाई करना चाहो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देना, अगर नहीं आए तो मुझे बता देना, ये वाला मैं करवा दूंगा दोबारा से, डेसिमल्स में अगर कोई दिक्कत आई तो मुझे बता देना. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स बेटा, इसमें ये चेक करना था हमें कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन हमें निकालना था, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा. ठीक है, ऑडियो नहीं है बेटा, अगर किसी के पास क्लियर है तो बता दो बेटा, नेटवर्क तो अभी स्टेबल है, अगर किसी के पास ऑडियो क्लियर है तो बता दो एक बार कि ऑडियो क्लियर है या फिर सभी के पास नहीं है. सर थोड़ी थोड़ी आ रही है सर, टक टक के आती है. एक बार स्टॉप कर दिए बेटा मैंने, अभी बताओ अभी ठीक है. यस सर, यस सर. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ 27, 36 एंड x आर इन कंटिन्यूड पोर्शन
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कहता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन में करनी एक्स की, कि एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। बताया था स्टार्टिंग एक मिनट बेटा, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। जो हमारी सेकंड वाली टर्म होती है वही हमारी रिपीट होके थर्ड वाली टर्म बन जाती है, और फर्स्ट और फोर्थ टर्म हमारी एच जी टी जा जाती है 27 और एक्स। ठीक है, दोनों हमारी फर्स्ट और जो लास्ट टर्म होती है वो तो एच जी टी रहती है, फर्स्ट की जगह फर्स्ट, लास्ट की जगह लास्ट। लेकिन जो सेकंड वाली टर्म होती है, बीच वाली टर्म होती है, वो रिपीट होके दोनों रेशियो के साथ आ जाती है, फर्स्ट वाले के साथ अलग रेशियो बना लेती है, सेकंड लास्ट टर्म के साथ अलग रेशियो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ए बी एंड डी तीन टर्म्स हमें दी हुई है, तो इसको प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे, ए इज टू बी एज बी इज टू डी। ए ने देखो बी के साथ अलग रेशियो आ गया ए रेशियो बी, और बी ने ही डी को साथ भी रेशियो बनाया बी रेशियो डी। ठीक है, तो इस टर्म को सेकंड टर्म को हम हमेशा रिपीट करेंगे कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमेशा सेकंड टर्म को रिपीट करेंगे, सेकंड और थर्ड प्लेस पर दोनों जगह पर यही आएगा। ठीक है, तो उसी का हमें यूज करना है, और कहता है उसका यूज करके हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में ये हमें दिया हुआ है पहले से, कहता है इफ 27 36 एंड एक्स आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन देन ओवर प्रोपोर्शन इज, तो हमारा प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 27 फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म पर 36 है, ये सेकंड टर्म पर भी आएगी, थर्ड टर्म पर भी 36 आएगी, और लास्ट टर्म हमारी एक्स एज इट इज बचेगी। क्या बनेगा हमारा प्रोपोर्शन, 27 इज टू 36 एज 36 इज टू एक्स। ठीक है, रिपीट हो जाएगा 36 हमारा सेकंड और थर्ड टर्म, ये हमारा प्रोपोर्शन बन गया। तो अब उसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, क्योंकि वही हमारे पास इस फोर्थ टर्म की एक टर्म की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे जैसे सिंपल हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में यूज किया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई फोर्थ टर्म के साथ होगी, 27 की मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगी, 27 मल्टीप्लाई एक्स, सेकेंड टर्म की मल्टीप्लाई थर्ड टर्म के साथ होगी, दोनों सेम ही है तो 36 मल्टीप्लाई 36। ठीक है, यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 27 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इसको राइट हैंड साइड में लेकर गई, ये डिवाइड में आ जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय 27। 36 और 27 दोनों को 9 पर जब हम कैंसिल करते हैं, 9 फोर जा 36 और 9 थ्री जा 27, 9 से दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 9 फोर जा 36, 9 थ्री जा 27। दोबारा से हमने इनको लिखा, 36 ये एज इट इज, यहाँ 4 बचा था 4 डिवाइड में 3, 36 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 3, 36 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 पर कैंसिल हो जाएगा, 12 3 जा 30 यहाँ 12 बचेगा, मल्टीप्लाई में हमारे पास 4 है, 12 4 जा 48, एक्स की वैल्यू हमारी 48 के इक्वल आएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 के इक्वल आ जाएगी, यही हमारा आंसर होगा, जो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। सो इसमें जो x की वैल्यू हमें निकालनी थी, x की वैल्यू हमारी 48 आ जाए। ठीक है, तो बेटा हमारे पास बेसिक एक ही पॉइंट है, बेसिक हमारे पास प्रोपोर्शन बन जाता है, उसके बाद सिर्फ हमें ये करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करना है, दोनों को इक्वल करना है, और इक्वल जैसे ही करेंगे हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, वहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये जो बेसिक पॉइंट है कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, ये आपको पता होना चाहिए कि कोई नंबर अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो उनको हम किस तरह से लिखेंगे। जो सेकंड वाली टर्म हमारे पास है वो हमेशा रिपीट होगी। बेटा इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो बिल्कुल आसान है। आपको सिर्फ ये एक पॉइंट पता होना चाहिए कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। अगर ये आपको नहीं पता तो आपको नीचे वाला आपको पता हो चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं, आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा।
जब तक आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला भी याद होगा तो भी कोई फायदा नहीं होगा आपका कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होगा। हमें यही नहीं पता प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स हमारी कौन सी वैल्यू है, मीन्स हमारी कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हमेशा हमारे पास तीन टर्म्स होंगी और तीनों टर्म्स में सेकेंड टर्म्स को हमेशा हम रिपीट कर देंगे सेकेंड प्लेस पर भी थर्ड प्लेस पर, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और फोर्थ टर्म की मल्टीप्लाई होगी, एक्सट्रीम्स का मतलब होता है फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, मीन्स की मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स हमारे पास होते हैं सेकंड एंड थर्ड टर्म, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है, फिफ्थ क्वेश्चन में भी कहता है इफ 36, 54 and x are in continuous proportion, find the value of x. कहता continuous proportion में है, तो हमें value find out करनी है x की value, जैसे पिछले वाले question में। हमें पता है अगर 36, 54, x तीनों continuous proportion में है तो इनको proportion में कैसे लिखेंगे, जो हमारी second वाली term है वो repeat हो जाएगी second place पर भी third place पर भी, वो दोनों ratio में आएंगी, फर्स्ट रेशियो में भी आएगी वो वैल्यू, सेकंड रेशियो में भी आएगी, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट रेशियो होता है, ये सेकंड रेशियो होता है, तो बीच वाली जो वैल्यू होगी वो दोनों रेशियो में आएगी हमारे पास, फर्स्ट में भी सेकंड में भी, लेकिन फर्स्ट वाले रेशियो में सेकंड टर्म बनेगी और थर्ड वाले सेकंड वाले रेशियो में यहाँ पर फर्स्ट टर्म के ऊपर काम करेगी, ठीक है। ये हमारे पास प्रोपोर्शन बन गया 36 इज टू 54 एज 54 इज टू एक्स। उसके बाद वही हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हो जाएगा हमारे पास 36 और मल्टीप्लाई x, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई फोर्थ टर्म, 36 मल्टीप्लाई x। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालेंगे हम, सेकंड टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म, 54 मल्टीप्लाई 54। इक्वेशन हमारे पास बन गई है, इक्वेशन में से हमें x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ 36 मल्टीप्लाई में है, 36 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 54 मल्टीप्लाई 54 डिवाइडेड बाई 36, इसको 36 से डिवाइड करना है, कैंसिल आउट करेंगे दोनों 9 पर कैंसिल हो जाएंगे, 54 भी सॉरी 18 पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 18 थ्री जा 54 और 18 टू जा 36, 18 पर दोनों को कैंसिल किया, 18 थ्री जा 54, 18 टू जा 36, दोनों कैंसिल आउट हो गए, दोबारा से हमने वैल्यू लिखी 54 एज इट इज मल्टीप्लाई 3 और डिवाइडेड बाई 2, 54 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 पर कैंसिल होगा, 27 टू जा 54 और यह हमारे पास 27 बच गया, मल्टीप्लाई में 3 बच गया, 27 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 81 आ जाएगी। x की वैल्यू ही हमें निकालनी थी इस क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये आज आपको बेटा फिफ्थ क्वेश्चन तक ही कंप्लीट करने हैं, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ वरना मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ, टाइम है हमारे पास अभी 1-2 मिनट का। जो बेसिक पॉइंट हमने किया है वो मैं आपको बता दूं एक बार, बेसिक पॉइंट हमारे पास ये है इस आज के क्वेश्चन में, आज के टॉपिक में, कि हमारे पास एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है और उस प्रोपोर्शन में हमारे पास एक टर्म मिसिंग है, एक टर्म क्या है मिसिंग है, उस मिसिंग टर्म की हमें वैल्यू निकालनी है, उसकी वैल्यू कभी तो उसने बता दी कि इस एक्स की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, कभी हमने उसको फाइंड आउट किया कि हमें कौन से टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, ये हमने देखा कभी। फर्स्ट सेकंड वाले क्वेश्चन में इसने डायरेक्ट बता दिया कि ये अननोन वैल्यू है, इस अननोन वैल्यू की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस अननोन वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी। फॉर्मूला हमारे पास एक ही काम करेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारे पास इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल, इन दोनों में हम वैल्यू पुट करेंगे, एक्सट्रीम्स हमारे पास होते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, कल बताया था आपको, दोबारा से आपको बता रहा हूँ, ध्यान होना चाहिए आपको, तो एक्सट्रीम्स हमारे पास क्या होते हैं, फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म दोनों को हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म दोनों को हम बोलते हैं मीन्स, क्या बोलते हैं मीन्स बोलते हैं, सेकंड टर्म को भी थर्ड टर्म को भी मीन्स बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को थर्ड फोर्थ टर्म को बोलते हैं एक्सट्रीम्स।
तो एक्सटेम्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म की फोर्थ टर्म के साथ, मीन्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म की थर्ड टर्म के साथ, और यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन जैसे ही हमारे पास बन जाती है उसमें हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल सभी इसी तरह से थे। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा इसने हमें घुमाने के लिए ये कह दिया कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, हमें फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू बतानी। तो हमेशा हम फोर्थ प्रोपोर्शन को क्या मान लेंगे, कुछ भी मानकर चलेंगे, एक्स वाई जेड पी क्या हुआ आपकी जो मर्जी हो आप मानकर चलो, एक्स मान लिया हमने, जैसे ही हमने एक्स मान लिया ये हमारे पास प्रोपोर्शन बन जाएगा, इसकी वैल्यू सेम इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालेंगे, यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल जाएगी और एक्स की जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, जो फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास एक फॉर्मूला काम करेगा, उससे आप पहले आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इनको कर सकते हो। कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब जो भी हमारी सेकंड टर्म होगी, सेकंड टर्म को हम रिपीट करेंगे फर्स्ट रेशियो में भी, सेकंड रेशियो में भी, या फिर बोल दो सेकंड टर्म की जगह भी थर्ड टर्म की जगह भी, दोनों जगह यही आएगी हमारे पास, जो हमारी जो बीच वाली मिडिल टर्म है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास आ गई, हमारे पास प्रोपोर्शन बन गया, सेम हम सेकंड थर्ड क्वेश्चन की तरह उसकी वैल्यू निकाल देंगे, एक्स की वैल्यू निकलते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का आंसर आ जाएगा, वही हमें निकालनी थी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को बेटा बेटा कोई बात नहीं, टाइम भी हो गया, कल बात करता हूँ मैं इनसे एक बार। ठीक है, कोई नहीं बेटा, अभी तो टाइम हो गया, वैसे रिपीट करवा रहा था मैं, आप इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और